दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि बॉलीवुड की डिस्कॉर्ड आंसर मिथुन चक्रवर्ती कपिल शर्मा शो में आ चुके हैं। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा, और पता भी होगा तो कितनी बार आ चुके हैं और कौन कौन सी फिल्मों के लिए आ चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि मिथुन चक्रवर्ती क्या कपिल शर्मा शो में आए हुए हैं, तो कुछ उनके भी रिसर्च के मुताबिक मैं ये जानकारी निकाल के लाया हूँ कि आप सबको बताया जाए, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी जाना बहुत ज़रूरी है कि मिथुन चक्रवर्ती क्या कॉमेडी नाइट विद कपिल या कपिल शर्मा के शो में आए हुए हैं या नहीं। इस वीडियो में यही जानकारी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद ही हम आपके लिए खबरें लेके आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती कौन कौन सी फिल्म के लिए और कितनी बार कपिल शर्मा के शो में नज़र आ चुके हैं। पहली बार मिथुन चक्रवर्ती आए थे फिल्म कांची के लिए। जी हाँ, इस फिल्म को सुभाष घई डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और कार्तिक आर्यन मुख्य किरदार में दिखाई दिए थे, लेकिन ये सारे स्टार कास्ट जो थे वो कॉमेडी विद नाइट कपिल में पहली बार दिखाई दिए थे, और पहली बार मिथुन चक्रवर्ती भी इस शो में दिखाई दिए थे। हालांकि पहली बार तो कुछ खास मज़ा नहीं आया था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जितना कर सके उतना एंटरटेन किया था लोगों को। लेकिन जब वो दूसरी बार आए फिल्म एंटरटेनमेंट के दौरान, अक्षय कुमार, जॉनी लेबर, सोनी सूद इनके साथ आए थे और पहली एंट्री हुई थी मिथुन की। जब इनकी एंट्री हुई तो इन्होंने कहा कि इस फिल्म में मेन हीरो मैं हूँ। फिर अक्षय की एंट्री हुई, उन्होंने कहा इस फिल्म में मेन हीरो मैं हूँ। फिर सोनू सूद और जॉनी लेबर की एंट्री हुई, उन्होंने कहा मेन हीरो मैं हूँ। उसके बाद एंट्री हुई एक डॉगी की, भाई साहब निकला वो मेन हीरो। कपिल शर्मा और अक्षय कुमार जितने भी स्टार कास्ट थे सब ने बोला भैया मेन हीरो ये है, क्योंकि इसका ही नाम एंटरटेनमेंट है। बाकी सब तो बस खाली सपोर्टिंग किरदार में दिखाई दिए हैं। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से एंटरटेनमेंट के दौरान भी मिथुन चक्रवर्ती कॉमेडी नाइट विद कपिल में नज़र आ चुके हैं, यानी कि कपिल के शो में। अब तीसरी बार बात कर लेते हैं, तीसरी बार कौन सी फिल्म में नज़र आए थे मिथुन चक्रवर्ती। तो तीसरी फिल्म इनकी थी आयुष्मान खुराना के साथ, फिल्म का नाम था हवाई ज़्यादा। जी हाँ, इस फिल्म को भी दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ मिथुन चक्रवर्ती दिखाई दिए थे, और वो इस फिल्म में उनके पिता का किरदार प्ले कर रहे थे, और इस फिल्म को लोगों द्वारा पसंद भी किया गया था। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो कपिल शर्मा के शो में, यानी कि कॉमेडी नाइट विद कपिल में नज़र आए थे, जहां पर इन्होंने आयुष्मान को लेकर कई सारे खुलासे किए, तो आयुष्मान ने मिथुन को लेकर कई सारे खुलासे किए और कॉमेडी का तड़का जारी रहा। तो ऐसे में कुल तीन बार मिथुन चक्रवर्ती कपिल शर्मा शो में नज़र आ चुके हैं। तो आप ही के द्वारा पूछे गए इन सवालों का जवाब आज मैंने इस वीडियो में दे दिया, और साथ ही आप जिन लोगों को नहीं पता था कि मिथुन चक्रवर्ती कितनी बार कपिल शर्मा शो में आए हैं, उन्हें भी ये मालूम पड़ गया कि मिथुन चक्रवर्ती एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार नज़र आ चुके हैं कपिल के शो में। और कौन सी फिल्म के लिए आ चुके हैं आप हमें बता सकते हैं, अगर हमें ना पता हो सकता है आपको पता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन सी फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती कपिल के शो में आ चुके हैं।